सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बीती रात तेज बारिश और आंधी आने के कारण खरखोदा दिल्ली रोड बाईपास पर लगा साइन बोर्ड गिर गया है। गनीमत ये रही कि उस समय वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। तेज बारिश आने के कारण अनाज मंडी में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया है। मार्केट कमेटी की सचिव ज्योति ने बताया कि सभी आढ़तियों और गेहूं खरीद एजेंसियों को पहले ही बता दिया था कि 3 मई से 7 मई के बीच मौसम खराब रहेगा, इसलिए अपनी फसल को अनाज मंडी, खरखोदा और गांव में बने सब सेंटरों में गेहूं को ढककर रखें ताकि गेहूं खराब न हो। गेहूं की खरीद होने के बाद उसको बारिश आने के दौरान ढककर नहीं रखने वालों पर नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। हमारे द्वारा सभी आढ़ती को पूर्व सूचना दे दी गई थी कि 3 से 7 तारीख के बीच में मौसम खराब हो सकता है और उनको ये कहा गया था कि अपने सभी जो गेहूं है उनको ढक के रखें। अगर उन्होंने ऐसी लापरवाही की है तो उनको उनके खिलाफ कार्य जो कानून के तहत कार्रवाई होगी।